हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के तीनों फॉर्म के बारे में। इन तीनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है, विटामिन D1, D2 और D3 में क्या डिफरेंस है, इन पर डिटेल में बात करूंगा और आपके सारे डाउट को आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पर, विटामिन D1, D2 और D3 में क्या डिफरेंस है। विटामिन D1, D2 और D3 तीनों विटामिन डी के ही फॉर्म है। इन तीनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है। विटामिन D1 की बात करने से पहले मैं बता दूँ, विटामिन डी के तीनों फॉर्म की खोज जर्मन रिसर्चर अडॉल्फ विंडोस ने की थी। इनका नाम यहाँ इसलिए लेना ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने जब विटामिन D1 की खोज की तो उन्होंने पाया कि ये बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सचर है जो प्योर विटामिन डी नहीं है, इसलिए विटामिन D1 का कोई भी यूज नहीं है। तो अब बात करते हैं विटामिन D2 और D3 में क्या डिफरेंस है। विटामिन D2 जो कि एग्रो कैल्सिफेरॉल से जाना जाता है और विटामिन D3 जो कि कॉले कैल्सिफ्रॉल से जाना जाता है। विटामिन D2 एक सिंथेटिक फॉर्म है जो हमें प्लांट और फोर्टिफाइड फूड से मिलता है। विटामिन D2 के सोर्स की बात करूँ तो वो मशरूम है। अगर फोर्टिफाइड फूड के बात करूँ तो ये हमें ब्रेड, एग, फ्रूट जूस, सोया मिल्क, मिल्क, दही, सॉल्ट से मिलता है। अगर विटामिन D3 की बात करें तो ये हमें डायरेक्ट सनलाइट से और एनिमल सोर्स्ड फूड से मिलता है, जैसे फिश ऑयल, लीवर, अंडे का येलो वाला पार्ट, बटर या फिर डायट्री सप्लीमेंट से। अगर सनलाइट की बात करें तो 40 से 45 मिनट डायरेक्ट सनलाइट पर बैठने से विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है। डायरेक्ट सनलाइट को हमारे स्किन ऑब्जर्व कर लेती है और उसे फैट के रूप में बॉडी में स्टोर कर लेती है और ब्लड में मिक्स होकर हमारे पूरे बॉडी में पहुंचती है। अब बात करते हैं विटामिन D2 की। विटामिन D3 जैसा ही प्रोसेस विटामिन D2 के प्रोडक्शन में होता है। सनलाइट या फिर UV रे विटामिन D2 को प्रोड्यूस करती है प्लांट और मशरूम से मिलने वाले एर्गोएस्ट्रॉल से। एर्गोएस्ट्रॉल एक तरह का कंपाउंड है जो कि प्लांट ऑयल में मिलता है। इसके साथ ही मैं एक वार्निंग जरूर देना चाहूँगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मतलब सनलाइट में बैठना, डायरेक्ट सनलाइट को लेना हर कंट्री में अलग अलग होता है। बिना सनस्क्रीन के ज़्यादा सनलाइट लेने से स्किन कैंसर हो सकता है, बट डोंट वरी, ये इंडिया में ज़्यादा नहीं होता है। स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा बाहर के देशों में होता है। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ब्लड में विटामिन डी के लेवल को कैल्सिफेडॉल को मेजर करके किया जाता है। कैल्सिफेडॉल से ही डॉक्टर को विटामिन डी के लेवल का पता चलता है ब्लड में। अगर लेवल ऑफ कैल्सिफेडॉल की बात करें तो विटामिन D2 और D3 का लेवल इक्वल नहीं होता है। विटामिन D3 का लेवल ज़्यादा होता है विटामिन D2 की तुलना में, इसलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट में विटामिन D3 को डॉक्टर के द्वारा ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इसमें एक बात और है, अगर विटामिन डी का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, इसलिए डॉक्टर विटामिन D3 के सप्लीमेंट को ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विटामिन डी लेना चाहिए। तो इन सारे डिफरेंस में आपको एक बात ज़रूर पता चल गया होगा कि विटामिन D3 के सप्लीमेंट को लेना सबसे बेस्ट होता है। विटामिन D3 हमें डायरेक्टली सनलाइट या फिर सप्लीमेंट, डाइट्री सप्लीमेंट से ईजिली मिल जाता है। तो विटामिन D3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सेफ है। इसको कॉले कैल्सिफ्रॉल नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप विटामिन के तीनों फॉर्म D1, D2, D3 के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।